फ्रेंड्स, आपका स्वागत है सविता जीजी कुकिंग में। और मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ हॉका नूडल्स की रेसिपी, जो बहुत ही आसानी से हम घर पे बना सकते हैं। मार्केट जैसा टेस्ट है। और यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो देखते हैं कैसे बनाते हैं हम इसको। मैंने वेज हॉका नूडल्स लिए हैं, अब इनको बॉयल कर लेते हैं। तो ये मैंने गर्म पानी में इनको बॉयल करने के लिए रख दिया। ये अलग होने स्टार्ट हो गए, इसको थोड़ा सा टाइम लगेगा। इसको सॉफ्ट होने तक हम बॉईल कर लेंगे, बहुत ज़्यादा इसको गलाना नहीं है हमने। तो ये हमारे बॉईल हो गए हैं। इसको चेक हम कैसे करेंगे, आप ऐसे हाथ देख के इसको थोड़ा सा दबा के देखिए। बस इस टाइम हम इसको ड्रेन कर देंगे, क्योंकि इससे ज़्यादा कुक किया तो ये नूडल्स टूट जाएंगे। तो हम इसको ड्रेन कर लेते हैं। अब इसको हम ड्रेन कर लेते हैं ताकि ये ओवर कुक ना हो जाए। इसको ठंडे पानी से हम वॉश कर लेते हैं। तो नूडल्स हमारे ड्राई हो गए हैं। इसमें थोड़ा सा हम ऑयल डाल लेंगे ताकि एक दूसरे से चिपके नहीं। तो ऐसे हम परफेक्ट नूडल्स को बॉईल करेंगे, जिससे ये टूटेंगे भी नहीं और एक दूसरे से चिपकेंगे भी नहीं। नूडल्स बनाने के लिए मैंने सब्जियां ली हैं। मैंने लिए हैं प्याज, टमाटर, शिमला मिर्च, लाल शिमला मिर्च, और इन सब को हम फ्राई कर लेते हैं। सब्जियों को हम फ्राई कर लेते पहले। तो सब्जियों को हमने इतना ही फ्राई करना है। इसमें डाल लेते हैं नमक, थोड़ी लाल मिर्च, गरम मसाला, चिली फ्लेक्स और ऑरिगैनो डाल देते हैं। मिक्स कर लेते हैं अच्छे से। अब मैं इसमें डाल दी हूँ विनेगर। और सोया सॉस मिक्स कर लेते हैं अच्छे से। टमाटो सॉस, कर लेंगे अच्छे से। मसाले को मैंने रेडी कर लिया है, अब इसमें मैं नूडल्स डाल देती हूँ। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और ये देखिए हमारे नूडल्स जो हैं बिल्कुल टूटे नहीं हैं, सॉफ्ट भी हैं। इसको हाई फ्लेम पे ही हम रखेंगे और अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। नूडल्स हमारे रेडी हैं, इसको सर्व करेंगे। नूडल्स हमारे रेडी हैं। तो कैसी लगी आपको ये रेसिपी, कमेंट करके बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कीप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।